कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में हमने कुछ बातें सुनी है कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है अब वो नए ग्राहकों को नहीं जोड़ सकेगा, नए ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेगा, वो इसलिए क्योंकि उसने आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं किया। अब ये बात कितनी सच्ची है फिर कितनी झूठी है, आज उसी का खुलासा करने के लिए हम अलग अलग वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे, जहां देखेंगे कौन सी वेबसाइट क्या क्या बातें बता रही है। तो पहले हम चलते हैं दैनिक भास्कर की वेबसाइट पे। देखिए दैनिक भास्कर, ये जो दैनिक भास्कर का पेज है ये बताता है, इन्होंने 23 दिन पहले ये आर्टिकल लिखा था कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, ऑनलाइन खाते खोलने पर भी रोक है, खामियां को दूर नहीं कर रहा था बैंक। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं कि और इन्होंने क्या क्या चीजें लिख रखी है। देखो आरबीआई ने बुधवार को कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहक को जोड़ने पर भी रोक लगा दिया है। बैंक ये प्रतिबंध लगाने का कारण बताते हुए आरबीआई ने कहा कि 2022 और 2023 के बीच में उसने पर्याप्त आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के लेकर बैंक को अपनी चिंता जताई थी, लेकिन बैंक इन कमियों को दूर करने में लगातार विफल रहा। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35 के तहत में आरबीआई ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई की है। हालांकि जो लोग बैंक से पहले ग्राहक है उन्हें पहले की तरह सर्विस मिलती रहेगी। इसके अलावा काफी सारी बातें और लिखी है आरबीआई ने, तीन और बड़ी बातें कही है, देख लेते हैं कौन सी बड़ी बड़ी बातें। आरबीआई को बैंक के आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट और डेटा सिक्योरिटी और डेटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जैसे क्षेत्रों में गंभीर कमियां मिली थी लगातार 2 साल तक देखा गया कि, लेकिन बैंक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस और इसके ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग के पिछले 2 साल में लगातार आउटेज देखा गया। लेटेस्ट आउटेज 15 अप्रैल को हुआ था, इसमें ग्राहक को असुविधा हुई, इसके लिए क्या है ये प्रतिबंध लगाया गया, ये बताता है दैनिक भास्कर। अब देख लेते हैं क्या दूसरी वेबसाइट भी कुछ ऐसा ही बता रही है या फिर ओनली ये भास्कर वाले ये बात बता रहे हैं। तो फिर हम चलते हैं दूसरी वेबसाइट पे, और दूसरी वेबसाइट में आपको लेके चलता हूँ एनडीटीवी वाले पे। देखो एनडीटीवी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च करके रखा ताकि टाइम खराब ना हो। इन्होंने भी कुछ ऐसे ही बताया, आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से नए ग्राहक को जोड़ने का बंद करने का निर्देश दिया। मार्च के अंत तक कोटक महिंद्रा बैंक को 59.54 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए थे, अब नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर उन्होंने क्या लगा दिया, रोक लगा दिए। अब ऐसा इसलिए क्यों किया, क्योंकि 2022 और 23 के लिए कोटक महिंद्रा बैंक आरबीआई ने डेटा सुरक्षा चिंता और अपर्याप्त आईटी बुनियादी ढांचे और इन चिंता को दूर करने में बैंक की ओर से लगातार विफलता का हवाला दिया। यानी कि आरबीआई ने कहा कि भाई जो 2022 से 23 के बीच में ये चीजें नहीं कर पाई थी, वही इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पैच और परिवर्तन मैनेजमेंट, उपयोगकर्ता पहुंच मैनेजमेंट, विक्रेता जोखिम मैनेजमेंट, डेटा सुरक्षा और डेटा रिसाव रोकथाम रणनीति, व्यापार निरंतरता और आपदा वसूली कठोरता, कोटक महिंद्रा बैंक की कवायद के क्षेत्रों में गंभीर कमी और गैर अनुपालन में कड़ी कार्रवाई को प्रेरित किया है देश के केंद्रीय बैंक से। लगातार 2 वर्षों तक कोटक महिंद्रा बैंक आरबीआई के नियमों के अनुसार आईटी जोखिम के मैनेजमेंट और सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाया। दोबारा जांच करने के बाद आरबीआई ने पाया कि पालन करने के लिए विशिष्ट योजनाएं दिए जाने के बावजूद बैंक ने अभी भी इन मुद्दों को ठीक नहीं किया। आरबीआई को दी गई बैंक की रिपोर्ट या तो पर्याप्त अच्छी नहीं थी, गलत थी या समय के साथ बनाई नहीं जा सकती थी, तो ऐसी कुछ खामियां पाई होगी, ये बता रहा है आपका एनडीटीवी वाली वेबसाइट। इसके अलावा हम चलते हैं कहां पे, एक नई वेबसाइट पे, जहां पे देखते हैं कौन सी वेबसाइट पे, अरे नया पेज खुल गया, कोटक महिंद्रा बैंक और कौन सी भी लेके चले आपको देखते हैं, इस पे देख लेते हैं ये क्या कहता है, ये कौन सी वेबसाइट है भाई, ये है इकोनॉमिक टाइम, ये भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। आरबीआई द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक पे जुर्माना, इन्होंने जुर्माना बताया भाई 15 अप्रैल 2024 को क्या हुआ, वह आखिरी झटका था, इन्होंने जुर्माना ही बताया, देखते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद मैं आपको आरबीआई का जो वो है जो नोटिस आया हो वो भी आपको दिखाने वाला हूँ कि आरबीआई क्या कहता है। भारतीय रिजर्व बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के डिजिटल ऑनबोर्डिंग और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई बैंक के आईटी बुनियादी ढांचे और सूचना सुरक्षा प्रथाओं के संबंध में आरबीआई द्वारा पहचानी गई चिंताओं के बाद की गई है। आरबीआई का उल्लेख है कि बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस और इसके ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग चैनलों के पिछले 2 वर्षों के लगातार महत्वपूर्ण रुकावटों का सामना करना पड़ा है। हाल ही में 15 अप्रैल 2024 को सेवाएं व्यवधान हुआ था, 15 अप्रैल को क्या हुआ था जानिए सारी डिटेल। अब सारी डिटेल यहाँ पे बता दी भाई, 24 अप्रैल 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति में नियामक ने कहा आईटी
इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पैच और परिवर्तन मैनेजमेंट, उपयोगकर्ता पहुंच मैनेजमेंट, विक्रेता जोखिम मैनेजमेंट, डेटा सुरक्षा के क्षेत्रों में गंभीर कमियां और गैर अनुपालन देखे गए हैं, और डेटा लीक रोकथाम रणनीति, व्यवसाय निरंतरता और आपदा वसूली कठोरता और अभ्यास आदि लगातार 2 वर्षों तक बैंक को नियामक दिशा निर्देशों के तहत आवश्यकताओं के विपरीत अपने आईटी जोखिम और सूचना सुरक्षा प्रशासन में कमी का आकलन किया गया था। वर्ष 2022 और 23 के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी सुधारात्मक कार्य योजनाओं के साथ बैंक को काफी हद तक गैर अनुपालन पाया गया है। अब ये बताता है जी आपका इकोनॉमिक टाइप। हम अब आपको दिखाने वाले हैं आरबीआई की वेबसाइट पे कि आरबीआई इसके लिए क्या कह रहा है। ये आरबीआई का नोटिस है, ये मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है, ये भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखो इनकी वेबसाइट पे 330 KB का ये फाइल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड इस बैंक के तत्काल प्रभाव से काम बंद करने और बंद करने का निर्देश दिया है। अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल के माध्यम से नए ग्राहकों को शामिल और नए क्रेडिट कार्ड जारी करना। हालांकि बैंक अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों सहित अपने मौजूदा ग्राहक की सेवाएं को कंटिन्यू चला सकता है। अच्छा, वही सारी चीजें वही आ गई। वर्ष 2022 और 23 के लिए रिजर्व बैंक की आईटी जांच के से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं और इन चिंताओं को व्यापक और समय पर ढंग से संबोधित करने से बैंक की ओर से लगातार विफलता के आधार पर यह कार्रवाई आवश्यक हो गई है कि आईटी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पैच और परिवर्तन मैनेजमेंट, उपयोगकर्ता पहुंच मैनेजमेंट, विक्रेता जोखिम मैनेजमेंट और डेटा सुरक्षा, डेटा रिसाव रोकथाम रणनीति, व्यापार निरंतरता और आपदा वसूली कठोरता और ड्रिल आदि के क्षेत्रों में गंभीर कमियां और गैर अनुपालन देखे गए हैं। दो के लिए लगातार वर्षों, यानी कि 2 साल के वर्षों के लिए ऐसा कुछ था। नियामक दिशा निर्देश के तहत आवश्यकताओं के विपरीत बैंक को अपने आईटी जोखिम और सूचना सुरक्षा प्रशासन में कमी का आकलन किया गया था। बाद के आकलन के दौरान बैंक को वर्ष 2022 और 23 के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी सुधारात्मक कार्य योजनाओं के साथ काफी गैर अनुपालनकारी पाया गया, क्योंकि बैंक द्वारा प्रस्तुत अनुपालन या तो अपर्याप्त या गलत या टिकाऊ नहीं पाया गया था। तो कुछ ऐसी जानकारी हमको मिली अलग अलग वेबसाइट से। तो भाई अगर अभी भी अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं, आपने वहां पे खाता खुलवा रखा है, तो अगर आपका खाता पहले से खुल चुका है तो आपकी जो सेवाएं वो निरंतर रहेंगी, वैसी की वैसी चलेंगी, ऐसा हमने इसके अंदर पढ़ भी लिया है। और अगर अभी भी आपको ये लग रहा है कि जो वेबसाइट वाले बता रहे हैं या फिर ये जो चीज बता रहे हैं अभी भी ये सच्ची है या फिर ये कुछ और बातें, तो इसके लिए मैंने आपको एक सुझाव और आपको बना के दिया है। उसके लिए आप क्या करें, आप ना कोटक महिंद्रा बैंक का जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं कि अभी जो बैंक में क्या सिस्टम चल रहा है। तो ये कुछ जानकारी थी कोटक महिंद्रा बैंक को लेके। तो कुछ अफवाहें फैली थी या वो बातें सच्ची थी, वो सारी बातें आपके सामने क्लियर हो चुकी है। आरबीआई का नोटिस मैंने आपको दिखा दिया, कुछ वेबसाइट से भी आपको रूबरू करवा दिया है। और अगर कोटक महिंद्रा बैंक को मेरी वीडियो से, मेरी जानकारी से अगर कोई भाई किसी बात का अगर कोई बुरा लगा, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो जो चीज है वो आपके सामने है। और अगर आप कोटक महिंद्रा के रेगुलर कस्टमर हैं, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप किसी के ऊपर भरोसा करना चाह रहे हैं, तो आप अपने बैंक पे करें और यहाँ पे कॉल करके, ये हेल्पलाइन नंबर है, और यहाँ से इनसे क्या ले जानकारी ले ले। ये नंबर जो है गूगल से हमको मिला है। तो थैंक यू माय डियर।